सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। आज के सुबह आपको गूगल असिस्टेंट के कमाल के फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। एंड इस फीचर को दोस्तों शायद ही आपने अब तक यूज किया होगा। तो गाइज गूगल असिस्टेंट के इस फीचर को देखने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फीचर को यूज करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि आपको गूगल असिस्टेंट को एक बार लॉन्च कर लेना है। तो मैं इसको अपने होम बटन को लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर ऑन कर लिया हूँ। एंड देन इसके बाद दोस्तों आपको एक कमांड देना है, जिसका दोस्तों कमांड असिस्टेंट सेटिंग, यहाँ पर आपको माइक ऑन करके बोलना है। तो चलिए हम दोस्तों इसको बोलते हैं असिस्टेंट सेटिंग, असिस्टेंट सेटिंग। देन उसके बाद दोस्तों आपको असिस्टेंट क्या है पर जो सेटिंग होता है वो दोस्तों आपको ओपन हो जाएगा कुछ। तो कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपका असिस्टेंट सेटिंग ओपन हो जाता है। देन इसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा आपको शॉर्टकट्स का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर हमारे ऑप्शन है। तो स्क्रॉल करते हुए हम नीचे जाते हैं और देखिए दोस्तों ये रहा हमारा फीचर शॉर्टकट्स का। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों आपको डेली लाइफ में डे टू डे यूज में आपको काफ़ी ज़्यादा पर जो हैंडी बना देते हैं आपके फ़ोन को यूज करने के लिए। जैसे कि दोस्तों पर काफ़ी सारे जो ऐप्स है पॉपुलर ऐप्स हैं उनके आपको शॉर्टकट पहले से ही प्री डिफाइन यहाँ पर मिलते हैं, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और भी कई सारे पर ऐप्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप किसी ऐप में पर शॉर्टकट्स को क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपली आपको उस ऐप पर क्लिक करके जाना है। एंड देन यहाँ पर आपको कई सारे शॉर्टकट्स पहले से ही क्रिएट हुए मिलेंगे। जैसे यहाँ पर यूट्यूब में आपको देख सकते हो कि यहाँ पर एक्सप्लोर है, सब्सक्रिप्शन है और यूट्यूब हिस्ट्री है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके ऐसे इसको ऐड कर देना है। देन यहाँ पर आपको नीचे भी शो कर दे रहा है कि आपको शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम दोस्तों जब यहाँ पर गूगल को हे गूगल यूट्यूब हिस्ट्री ऐसे बोलोगे तो वो आपको अपने आप ही यहाँ पर ऑन हो जाएगा। एंड दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर आपको जो दे रहा है हे गूगल एंड उसके बाद यूट्यूब हिस्ट्री, यानी जो भी हमने शॉर्टकट ऐड किया हुआ है, एंड उसके पहले दोस्तों हे गूगल या फिर ओके गूगल बोल के आप गूगल असिस्टेंट को लॉन्च कर सकते हो। एंड अगर दोस्तों आपने अपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट को अभी तक हैंड्स फ्री नहीं किया तो आप दोस्तों मेरे ये वाला वीडियो देखकर उसको हैंड्स फ्री कर सकते हो। एंड इस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा, तभी दोस्तों आपको इसको यूज करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस तरह से दोस्तों आप किसी और भी ऐप में चले जाओगे तो वहाँ पर आपको सेम ऑप्शन देखने को मिला, लाइक मुझे अमेजोन में जाना है। एंड उसके बाद दोस्तों मुझे कोई भी यहाँ पर सेक्शन को ऐड करना है, जैसे मैं ऑर्डर्स को ऐड कर दूंगा। एंड नेक्स्ट टाइम दोस्तों हे गूगल ऑर्डर्स बोलूंगा तो सिंपली दोस्तों मुझे ये गूगल असिस्टेंट है अमेजोन के ऑर्डर्स वाले पेज में यहाँ पर को रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये दोस्तों काफ़ी मुझे कमाल का फीचर लगता है, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ईजियर कर देता है। इस तरह से आपको कई सारे और भी ऐप मिलेंगे, लाइक ट्विटर है, ट्विटर में भी आपको इतने सारे जो ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और जो भी दोस्तों आप ऑप्शंस को ऐड करोगे यहाँ पर आपको योर शॉर्टकट्स में आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हम जैसे ट्विटर नोटिफिकेशन एंड इसको हटाते हैं, एक्सप्लोर सेटिंग। अब दोस्तों दो सेटिंग्स को हमने जो शॉर्टकट्स को यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, अब इसको हम योर शॉर्टकट्स में चलेंगे तो यहाँ पर आप देखें हमने कौन कौन से शॉर्टकट्स को अप्लाई किया हुआ है। और फिर यहाँ से दोस्तों बैक आएंगे और यहाँ पर दोस्तों आप होल में आप पूरे में देखना चाहते हो तो यहाँ पर योर शॉर्टकट्स में जाइए और जितने भी अपने दोस्तों अलग अलग ऐप्स के यहाँ पर शॉर्टकट्स क्रिएट किए होंगे वो सारे शॉर्टकट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जब चाहे दोस्तों इनको एडिट कर सकते हो, आपको इसको डिलीट कर सकते हो। लाइक मुझे दोस्तों YT हिस्ट्री है या फिर दोस्तों इनके इनक्योग्निटो टैब है, तो इस पर सिंपली मैं क्लिक करूँगा और इसको एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट कर सकता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। लाइक मुझे एडिट करना है तो एडिट पर जाऊँगा। एंड देन इसके बाद दोस्तों आपको हे गूगल इनकोग्निटो टैब जब बोलोगे तो ये दोस्तों इनकोग्निटो टैब ओपन हो जाता है। लेकिन आप चाहते हो कि आप इनकोग्निटो टैब ना बोलकर सिर्फ इनकोग्निटो बोलो तो इनकोग्निटो टैब ओपन हो जाए। तो सिंपली आप इसको एडिट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको बैक स्लैश करके यहाँ पर सारे को यहाँ पर कट कर देना है और सिर्फ इनकोग्निटो को छोड़ देना है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप हे गूगल या फिर ओके गूगल इनकोग्निटो को कमांड दोगे जब इसको, तो आप ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पर जो वो क्रोम में आपका इनकोग्निटो टैब एक नया ओपन कर देगा। और इस तरह से दोस्तों आप इसको क्लिक करके इसको डन पर क्लिक कर दो। तो इस तरह से दोस्तों आपका नया शॉर्टकट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, हे गूगल इनकोग्निटो। एंड अगर आप किसी को जो डिलीट भी करना चाहते हो तो सिंपली इस पर क्लिक करके और डिलीट के बटन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो। तो ये दोस्तों मुझे फीचर गूगल असिस्टेंट का काफ़ी ज़्यादा पर हैंडी लगा और इसको दोस्तों यूज करने से आप काफ़ी ज़्यादा जो इजी फील करोगे। एंड जब भी हमने जो भी यहाँ पर शॉर्टकट्स को क्रिएट किया हुआ है गूगल असिस्टेंट में, अभी दोस्तों उसको हम लाइव यहाँ पर चेक करेंगे कि सारे दोस्तों शॉर्टकट से वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों एक बार इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। हे गूगल इनकोग्निटो,
एंड जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि ये दोस्तों क्रोम ब्राउजर में एक इनकोग्निटो टैब को ओपन कर चुका है। अब दोस्तों हम एक और कमांड के ऊपर ट्राई करते हैं, ओके गूगल ऑर्डर्स। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में अमेजोन के ला चुका है। एंड इस तरह से कहें यहाँ पर आप अपने गूगल असिस्टेंट में शॉर्टकट्स को ऐड कर सकते हो, जो कि दोस्तों आप डेली बेसिस पे ज़्यादातर उन ऐप को यूज करते हो, तो सिंपली दोस्तों आपको बार बार उस ऐप में जाकर उस चीज़ को ओपन नहीं करना होगा, उस टैब को ओपन नहीं करना होगा। सिंपली आपको एक कमांड देना है गूगल ओके गूगल के साथ में, और वो चीज़ जो दोस्तों आपके सामने आपके फ़ोन में हाजिर हो जाएगा। एंड वन सेकेंड दोस्तों आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप दोस्तों ये ट्रिक का जो है पर बेनिफिट तभी ले सकते हो जब दोस्तों आप अपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट को हैंड्स फ्री कर लोगे। एंड इसके लिए वीडियो दोस्तों मैंने बहुत पहले ही बना चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा, तभी दोस्तों आप अपने गूगल असिस्टेंट को हैंड्स फ्री कर पाओगे। लाइक जैसे मैं अभी हे गूगल या फिर ओके गूगल बोल के अपने गूगल असिस्टेंट को लॉन्च कर पा रहा हूँ। बस दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और गूगल असिस्टेंट का ये फीचर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों इस फीचर के बारे में आप पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके बारे में और भी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह के और भी वीडियो को देखते रहने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।